नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसको हमेशा मानकर सॉल्व करना है। कैसे भाई? आपको सिंपल दोस्त ए बी और सी की ऐसी वैल्यू माननी है जिससे कि क्या है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और दोस्त उसके साथ ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जब दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती दिखती हैं तो दोस्त सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका दोस्त आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आपको ए बी और सी की कौन कौन सी वैल्यू माननी है जिससे कि क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, दोस्त हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो दोस्त आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ए इक्वल टू आपको 2 रखना है, बी इक्वल टू आपको मान लेना है भाई 4 और सी इक्वल टू आपको मान लेना है 5 सॉरी। ठीक है, अब दोस्त आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आपके पास ये वाला आ रहा है, क्या आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है, देखते हैं भाई। 2 और 4 कितना होता है दोस्त, 6, तो भाई 6 है। यहाँ पर कितना है, सी इक्वल टू 5, तो यहाँ पर भी क्या है 5, यानी कि दोस्त कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब दोस्त इन्हीं वैल्यूज को क्या है, यहाँ पर रख कर देखते हैं और फिर देखते हैं क्या हमारे पास 9/2 आ रहा है, देखते हैं भाई। बी इक्वल टू दोस्त आपने कितना माना था 4, तो 4 रखिए हम भी। सी इक्वल टू आपने कितना माना था 5, तो 5 रख दीजिए दोस्त। ए इक्वल टू कितना माना था आपने 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। अब दोस्त इसको सॉल्व करके देखिए क्या हमारे पास 9/2 आ रहा है, देखते हैं भाई। तो 4+5 कितना हो गया दोस्त, 9, यहाँ पर कितना है 9 है भाई, और यहाँ पर कितना है ए इक्वल टू 2, यहाँ पर भी कितना है 2। तो दोस्त यानी कि कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है दोनों ही केसेस में। यानी कि जैसे ही मैंने ए इक्वल टू 2 रखा, बी इक्वल टू 4 रखा और सी इक्वल टू 5 रखा, ये वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई और साथ में ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कि अब सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ पर दोस्त ए बी और सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए जो आपने मानी थी। ए इक्वल टू दोस्त आपने कितना माना था 2, सी इक्वल टू आपने कितना माना था 5, बी इक्वल टू आपने कितना माना था दोस्त 4। तो सॉल्व कीजिए, 2 और 5 कितना होता है 7 और नीचे कितना है 4, तो 4 दोस्त यही अपन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन है उसका यूज़ कीजिए। और दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्त मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।